हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल इन्फोट्यूब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फ्री फायर का एक न्यू आईडी बना सकते हैं, न्यू अकाउंट बना सकते हैं, और यहाँ पे कौन कौन सा सेटिंग करना पड़ता है आपको नया अकाउंट बनाने के बाद। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं फ्री फायर के अंदर हम कैसे न्यू आईडी बना सकते हैं और कैसे इसका सेटिंग कर सकते हैं, तो फिर आज आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो को पूरा देखना है, तभी जो है आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए फटाफट से इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, फ्री फायर का न्यू आईडी बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपको गूगल प्ले स्टोर से जो है फ्री फायर गेम को डाउनलोड कर लेना है, और जो है इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको ओपन कर लेना है। गेम को ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे गरीना लिखकर के आ जाएगा, क्योंकि ये कंपनी जो है गरीना कंपनी का गेम है। और यहाँ पे जो है अगर आपका जो है यहाँ पे कुछ अपडेट ले रहा है, तो फिर इसको अपडेट होने दीजिएगा और थोड़ा देर आपको वेट कर लेना है, ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। गेम ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे दो तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे न्यू आईडी बनाने के लिए आपको जो है फेसबुक का इस्तेमाल करना है। उससे क्या होता है, जो है आपका आईडी सेफ होता है, और जो है दोबारा कभी भी जो है आप यहाँ पे गेम खेलने के बाद लॉगिन करते हैं ना, तो फिर यहाँ पे आपका लेवल जो है ख़त्म नहीं होगा और जो है आपका लेवल यहाँ पे सेव रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली हम फेसबुक पर क्लिक कर देते हैं। आपको भी फेसबुक से जो है यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, फेसबुक पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से क्या होगा, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में पहले से फेसबुक का एप्लीकेशन लॉगिन है, तो फिर ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर लॉगिन नहीं है, तो फिर यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप अपना फेसबुक का आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जो है आपको कंटिन्यू वाला बटन को दबा देना है, और जो है यहाँ पे आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बीच में एक मर्तबा टैप कर देना है, और जैसे यहाँ पे आप टैप कर देते हैं, और यहाँ पे जो है ओपन होते ही जो है आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पेज आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप बिगिनर है या फिर इंटरमीडिएट है या फिर क्या है। तो यहाँ पे जो है हम अभी अभी अकाउंट बनाए हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम बिगिनर वाला पे क्लिक कर देंगे। आपको भी सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। उसका जो है आपको यहाँ पे लेट्स रोल का एक बटन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा देर रुकना है और ये पेज जो है लोडिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक ये गेम के अंदर जो एक आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम गेम से जो है बैक आ जाते हैं। ओके वाला बटन को हम दबा देते हैं, और यहाँ पर हम गेम से बाहर आ गए। अब जो है यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करना पड़ता है। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपका एक यूज़र नेम डालने के लिए बोला जाएगा। अब दोस्तों, यूज़र नेम से क्या होगा, कोई आपका दोस्त है फ्री फायर के अंदर, तो वो ये यूज़र नेम डालेगा तो आपका आईडी वहाँ पे चले जाएगा, और आप दोनों दोस्त एक साथ गेम को खेल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सबका यूनिक और अलग अलग यूज़र नेम होता है। यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना यूज़र नेम में, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इन्फो मेरा चैनल का नाम है और सरफराज जो है हमारा नाम है, तो यहाँ पे हम डाल दिए इन्फो सरफराज। इसी प्रकार से जो है आपको यूनिक नेम डाल देना है, उसका जो है आपको यहाँ पे कंफर्म वाले बटन को दबा देना है। दोस्तों, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करने के बाद जो है आपका यूज़र नेम यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जो है आपको यहाँ पे ऊपर क्रॉस का आइकन देखने को मिला है, सिंपली इस पर क्लिक करके जो है आपको यहाँ पे कट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया, फिर जो है आपको यहाँ पे कट कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद जो है आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कैरेक्टर का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली जो है आपको कैरेक्टर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। साथ ही साथ जो है आप यहाँ पे क्लिक करके अपना कैरेक्टर को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप गर्ल है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अगर आप बॉय है तो यहीं पे रहने दीजिए, और बाकी का बहुत सारा जो है कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे आप गेम में लेवल अप करते जाइएगा, वैसे वैसे सब कैरेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल हम यहाँ पर बॉय को ही रहने देते हैं। ऊपर क्लिक करके आपको कट कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसको मीडियम में रहने देते हैं। उसका जो है आपको ओके वाला बटन को दबा देना है, और जो है आपका कैरेक्टर यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, अब आपको क्रॉस कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कैरेक्टर चेंज हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर के साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासिक का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक करके जो है आप अपना गेम का मोड को चूज़ कर सकते हैं। आपको कौन सा गेम खेलना है, यहाँ पे काफ़ी सारा मोड है, यहाँ पे स्क्वाड है और यहाँ पे क्लासिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मोड है यहाँ पे,
और उसके बाद जो है यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है इनवाइट फ्रेंड का। सिंपली आप इस पर क्लिक करके अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं। आपका जो भी दोस्त फ्री फायर खेलता होगा, अगर आप फेसबुक आईडी से लॉगिन कर लेते हैं तो सबका आईडी यहाँ पे आ जाएगा। उसको इनवाइट करके साथ ही साथ उसके साथ जो है आप गेम को बड़ी आसानी से खेल सकते हैं। सिंपली आपको स्टार्ट वाला बटन को दबा देना है और यहाँ पे जो है आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा, मैच स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे 30 सेकेंड का समय लेगा और जो है आपका गेम यहाँ पर चालू हो जाएगा और जो है आप बड़ी आसानी से गेम को खेल सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।